यहाँ पे मैं एचएससी की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि लड़कियों के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे है ना, लड़कियाँ खुल के अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बता पाती तो यहाँ टाइम टाइम पे फीडबैक लिया जाता है, तो उसमें लाइफ में गवर्नमेंट जॉब तो सब चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं हरियाणा पुलिस में जॉब लगूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज हम विवेकानंद कैंपस में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विवेकानंद कैंपस के अंदर आज हम खड़े हैं और यहां पर हमारे साथ जो हैं यहां के जो एमडी सर हैं वो खड़े हैं, परमजीत जी। इनसे बातचीत करेंगे खास तौर पर क्योंकि यहां पर होने वाला एक छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। सर स्वागत है आपका इंडियन एक्सपर्ट पर। जी नमस्कार सर। सर क्या कुछ है ये छात्रवृत्ति परीक्षा के बारे में? छात्रवृत्ति के लिए ये है कि सर ये महेंद्रगढ़ में विवेकानंद कैंपस द्वारा दूसरी बार जी, महेंद्रगढ़ के इतिहास में दूसरी बार एक महास्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें क्या है कि कुछ मिडिल फैमिली के बच्चे हैं, कुछ गरीब बच्चे हैं, वो फीस पे करने में दिक्कत होती है उनको, मान लो, तो उसके लिए अगर उन बच्चे के अंदर टैलेंट है तो विवेकानंद कैंपस उस टेस्ट के लिए जो बच्चा इन्वाइट है आएगा उसमें अगर उसकी रैंक अच्छी आती है तो विवेकानंद कैंपस की तरफ से फीस में डिस्काउंट दिया जाएगा उनको। हाँ जी, बात है। ये कब होगा सर ये टेस्ट? 27 मई 10:30 बजे शुक्रवार। तो स्टूडेंट्स आपसे कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है? स्टूडेंट्स के लिए हमने न्यूज़पेपर में पंपलेट्स दे दिए हैं, लगभग 10,000 से 15,000 न्यूज़पेपर में पंपलेट्स वगैरह दिए हैं। कैसे कॉन्टैक्ट करें, कोई फ़ोन नंबर पे कैंपस में आए? नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर ओनली, रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल कर सकते हैं हमारे पास अकेडमी के नंबर पर या अकेडमी का जो फेसबुक साइट है उस पर आप सर्च कर सकते हैं विवेकानंद कैंपस महेंद्रगढ़, और उस पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। ये कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें? इसमें किसी भी एकेडमी, किसी भी लाइब्रेरी महेंद्रगढ़ के को, किसी भी संस्थान के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं है रजिस्ट्रेशन का, कोई पैसा नहीं। संस्थान क्या क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन से कोर्स करवा रहे हैं अपने संस्थान में? जी फिलहाल जैसे कि SSC है, HSSC है, HSSC में एक फिलहाल चला हुआ है जैसे कि CET गवर्नमेंट ने लागू कर दिया कि जब तक आप CET नहीं करोगे तो ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। तो CET का चला हुआ है, CET का एग्जाम गवर्नमेंट जल्दी करवाएगी, तो उसके बैच चले हुए मेन तो, और साथ में नेवी एयरफोर्स NDA और SSC है, पुलिस है, फोर्स जो सारे। अच्छा अपना कैंपस दिखाओ सर एक बार। अभी हम यहाँ क्लासरूम के अंदर जाएंगे खास तौर पर, स्टूडेंट्स जहाँ पर बैठे हैं। हाँ जी, तो विवेकानंद कैंपस में आप हमारे साथ आज बने हुए हैं, यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन होने वाला है, यहाँ पर हम आए हैं सर, यहाँ पर पढ़ा ही रहे। नाम सुरेश यादव। सुरेश जी आप यहाँ पर किस पद पर कार्यरत हैं? मैं सर यहाँ विवेकानंद कैंपस में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ और साथ में मैं जनरल साइंस है ही पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। जनरल साइंस पढ़ा रहे, तो यानी नेवी एयरफोर्स के बच्चों को पढ़ा रहे? नेवी एयरफोर्स वालों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, साथ में जो अपने कॉमन बैच हैं सभी SSC हो गए, जितने भी बैच हैं HSSC हो गए, CET हो गया, इन सभी को साइंस पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, तो नेवी और एयरफोर्स की तैयारी करवाई जाती है? नेवी और एयरफोर्स का स्पेशल अलग से बैच चला है, हमारा जो ये मंडे गया है इसी से हमने नया बैच स्टार्ट किया अभी हाल फिलहाल में। उसके अलावा CET का सुपर 30 बैच चला रखा है जिनके अंदर हमने सिर्फ 30 बच्चों को सिलेक्ट कर रखा है। अच्छा। ठीक है, उनको विशेष क्लासेस दी जा रही हैं, विशेष तरीके से उनको तैयारी करवाई जा रही है। अभी जो स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है क्या ये नेवी एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए भी है? ये सबके लिए रहेगा, चाहे वो स्टूडेंट्स भी आप देख रहे होंगे क्लासरूम में है। हम यहाँ पर कुछ स्टूडेंट से बातचीत करने वाले हैं, जो बोल सकते हैं वो हाथ उठाएं एक बार भाई, मैं उसी के पास आऊं जो बोल सकते हैं। तो यहाँ हम देखिए, एक वो कहते हैं ना कि जैसे एक बार कंफर्म तो कर लेते हैं, सारे बच्चों से तो बातचीत नहीं हो सकती। आपने हाथ उठाया था, क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह है। मंजीत खड़े हो जाओ एक बार, आप कहाँ से? आप? मैं महेंद्रगढ़ से हूँ, शिव कॉलोनी में मेरा एड्रेस है। अच्छा, यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं अभी यहाँ से अभी डेमो के लिए आया था। अच्छा। मैं यहाँ पे दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए तैयारी कर रहा हूँ।
अच्छा, पढ़ाई क्या कर रखी है? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो यहाँ के बारे में किसी ने बताया, डेमो के लिए आए हैं? काफ़ी सुना है महेंद्रगढ़ में, यहाँ पे काफ़ी नाम है विवेकानंद कैंपस का। अच्छा अच्छा, तो काफ़ी दोस्त पता करते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा लोग जॉब भी लगे हैं गवर्नमेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो विवेकानंद कैंपस में ये यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे, और किस भाई ने हाथ उठाए थे इधर? आपने आ जाओ इधर, आ जाओ आशीष। तो आपका क्या नाम है भाई? प्रदीप गुजर। प्रदीप गुजर कहाँ से हैं आप? बलाणा से। बलाणा से। यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ भी मैं HSC की तैयारी कर रहा हूँ, और अभी जो पर्सनल है वो CAT की क्लियर करने के लिए तैयारी चल रही है। अच्छा, कितने दिन हो गए आते हुए? 3 महीने हो गए। कैसा पढ़ाते हैं सर? सब एकदम बढ़िया पढ़ाते हैं, सभी क्लासेज इक्वल टाइम पर लगती हैं, सभी क्लासेज में सभी पीरियड्स रेगुलर आते हैं, रोजाना। हर रोज आते हैं सभी। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हैं, और भी कोई साथी हैं यहाँ पर? आपका क्या नाम भाई? मेरा नाम मोहित यादव। मोहित जी आप कहाँ से? बाली से। पाली से जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं HSC की तैयारी के लिए आ रहा हूँ। HSC की कितने दिन हो गए तैयारी कर? मेरे को लगभग 1 साल हो गया है। पहले कोई टेस्ट दिया है? जी सर। किसका दिया था? हरियाणा पुलिस का दिया था, कल रखा दिया। फिर उसकी बात बनी नहीं? बनी नहीं सर, उसमें नहीं हुआ। नहीं हुआ तो अब फिर कहीं ना कहीं कमी रह गई हमारी। तो फिर से मतलब कि आप? जी सर, अभी फिर से तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो क्या बनना चाहते हैं लाइफ में? सर हमारा हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस ज्वाइन करना चाहते हो? तो देश की सुरक्षा कर रही हैं आप, बहुत अच्छी बात है। यहाँ हमारे पास एक अच्छी बात यह है कि आजकल के जो युवा हैं वो खास तौर पर सुरक्षा बलों में जाने के प्रयास करते हैं। वो चाहे आपका आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, डिफेंस में आप कह सकते हैं या फिर पुलिस में आप कह सकते हैं। बाकी बॉयज़ के साथ साथ यहाँ पर गर्ल्स भी बैठी हैं। एक अच्छी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि गर्ल्स की संख्या भी एक अच्छी खासी है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक जो है अब मातृशक्ति सामने नहीं आती है, तब तक जो संसार के अंदर जो कह सकते हैं आगे बढ़ने का जो एक सिस्टम है वो रुक सा जाता है, थम सा जाता है। तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। किस कोई स्टूडेंट जो बच्चा यहाँ पर बातचीत करना चाह रहा था जी, आपका क्या नाम है जी? सोमवती। जी कहाँ से हैं आप? राठीवास से। अच्छा, ये हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी के गांव से हैं जी। ये बताएं कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हरियाणा पुलिस। और इसके अलावा कुछ और कोई परीक्षा दी हो? नहीं, कोई परीक्षा नहीं दी। नहीं, प्लस टू कर लिया आपने? हाँ, ग्रेजुएशन। प्लस टू कहाँ से करी आपने? खातोदड़ा से करी। तो अभी यहाँ जैसे आप लोग आते हो तो गर्ल्स के लिए कोई सेपरेट व्यवस्था है, कुछ ऐसा है, माहौल ठीक है? बिल्कुल ठीक है, सभी लोग यहाँ हैं, जैसे स्टाफ वगैरह के भी, तभी तो नहीं बोल रहे हो, मतलब जेन्युइन बात है ना? हाँ, कोई माहौल ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है? नहीं है, समस्या वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, तो यहाँ आप कैसे आते हो? ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? हाँ। चलिए बैठिए आप में से कौन बात कर रहा था भाई? आपका क्या नाम है? रवीना। आप कहाँ से? खातोदड़ा से। हाँ जी। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे मैं HSC की तैयारी कर रही हूँ। HSC की तैयारी कर रही हूँ। हाँ जी। कोई एग्जाम दिया है पहले? हाँ जी, हरियाणा पुलिस का दिया है। क्या करना बनना चाहते हो लाइफ में? लाइफ में गवर्नमेंट जॉब तो सब चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं हरियाणा पुलिस में जॉब लगूँ। गवर्नमेंट जॉब तो सब चाहते हैं, मतलब इसलिए आप भी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब? नहीं, मेरे खुद की चॉइस है कि मैं हरियाणा पुलिस को ज्वाइन करूँ। अच्छा अच्छा, हरियाणा पुलिस को ज्वाइन करना चाहते हैं आप? हाँ जी। तो कभी कोई फिजिकल या इस तरह की कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया या गए हैं आप कभी फिजिकल वगैरह के लिए? नहीं, अभी तो वैसे कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में की है फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं की है। चलिए बहुत अच्छी बात। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, कोई दिल्ली पुलिस के लिए, कोई हरियाणा पुलिस के लिए, कोई HSC के लिए, अलग अलग जो कोर्सेज यहाँ पर करे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी बैठे हैं, वीडियो को ज़्यादा तो लंबा हम नहीं कर सकते। बाकी परमजीत जी 1 मिनट आएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि स्कॉलरशिप टेस्ट है तो वो 27 तारीख को है और 10:30 बजे है, संपर्क करा जा सकता है। जी जी, क्या मिलने वाला है एक बार फिर बता। स्कॉलरशिप टेस्ट में सर मैंने बताया था कि हमने विशेष डिस्काउंट दिया हुआ है कि पहले जो 10 स्टूडेंट होंगे उनके लिए लगभग 50% डिस्काउंट होगा फीस में। उसके बाद अलग अलग स्लैब बनाए हुए हैं, जैसे 11 से 20 है उसमें 30% डिस्काउंट होगा, और 21 से 30 है उसमें 15% डिस्काउंट दिया जाएगा फीस में। जी, तो आज हम यहाँ विवेकानंद कैंपस के अंदर आए हुए थे। विवेकानंद कैंपस में हमने यहाँ पर आपकी बातचीत करवाई, यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर सर से, साथ में यहाँ पर और जो हैं स्टूडेंट्स इनसे भी, बाकी कोई टीचर हैं जो यहीं पर खड़े हैं उनसे भी बातचीत कराएंगे। सर कोई एक साथी आप इधर आओ ना, किसी एक साथी से आ जाओ आप जी। आपका शुभ नाम सर? संदीप कौशल। संदीप कौशल जी, यहाँ पर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? मेरे पास GK का सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो
देखिए जब शिक्षण संस्थान की बात आती है खासतौर पर, तो शिक्षण संस्थान में शिक्षक एक अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल सर। तो शिक्षकों की यहाँ पर बातचीत करें तो कैसे? नहीं, सारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं सर और एक्सपीरियंस्ड हैं, अच्छे अनुभव हैं। मेरे को ही कम से कम 12 साल हो गए इस लाइन के अंदर, कोचिंग सेक्टर में ही काम करते हुए 12 साल का अनुभव है मेरे को। और बाकी हमारे जो साथी हैं वो भी अच्छे अनुभवी टीचर हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी तो बच्चों की पढ़ाई पर डिपेंड करता है, हम तो एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं इनके लिए। बात करें परिणाम की, क्योंकि जब शिक्षण संस्थान और कोचिंग शिक्षण संस्थान हो तो परिणाम तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर, पिछले 2016 से विवेकानंद कैंपस इस शहर के अंदर चल रहा है जी, तो उसके बाद में काफ़ी हमारे यहाँ से परिणाम भी आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं इस चीज़ के लिए। तो काफ़ी बच्चे सरकारी नौकरी, हाँ सरकारी नौकरी में लगे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए बहुत सारे, हाँ जी कुछ कह रहे थे सर आप, बताओ। अच्छा एक लड़की बोलना चाहती है, हाँ जी बताइए कौन है जी, क्या नाम? मेरा नाम तिथि है, उचोले से। बताएं क्या कह रहे हैं सर। मैं स्पेशल ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे है ना, लड़कियाँ खुल के अगर कोई प्रॉब्लम नहीं बता पाती तो यहाँ टाइम टाइम पे फीडबैक लिया जाता है, तो उसमें किसी लड़की का पर्टिकुलर नाम नहीं होता, उसमें वो अपना किसी भी टीचर के प्रति जो भी है प्रॉब्लम को कुछ नहीं पढ़ा पाता या फिर कुछ, तो वो अपनी प्रॉब्लम भी बता देती है और नाम भी नहीं आता। बहुत अच्छी बात, मतलब फीडबैक लिया जाता है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या करना चाहते हैं लाइफ में? सर HSSC की तैयारी है जॉब के लिए। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ चुके हैं? MA कर चुके हूँ इंग्लिश से। बहुत अच्छी बात, चलिए बैठिए आप। तो यहाँ अभी हमने आपकी बातचीत कराई स्टूडेंट से, टीचर से और यहाँ के मैनेजमेंट से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तभी जागरूक हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तभी पता चल सकेगा कि विवेकानंद कैंपस में अगर आपको भी पढ़ना है और अगर आपको कहीं थोड़ी बहुत फीस की दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर एक छात्रवृत्ति परीक्षा है जो 27 तारीख की है, 10:30 बजे है, संपर्क कर सकते हैं। जो विवेकानंद का जो आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर, आप यहाँ पर आइए मिलिए इनसे। और अगर आपको उचित लगता है यहाँ पर पढ़ाई करके डेमो क्लास या जैसे भी, तो आप यहाँ पर दाखिला लीजिए। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरह प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।